कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार पर संकट बढ़ता जा रहा है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उधर गोवा में भी कांग्रेस के कुल 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि जहां जहां विपक्ष के सांसद और विधायक हैं उन्हें बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की सरकारों को कमजोर करने में लगी हुई है। तारिक अनवर से बात की हमारे सहयोगी अजय झा ने। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब है। कर्नाटक हो या गोवा हो, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिख रहा है और वजह साफ है कि कांग्रेस अपने लोगों को साथ नहीं रख पा रही है। देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये कराई जा रही है, विपक्ष को कमज़ोर करने की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जहां जहां विपक्ष की सरकार है या विपक्ष के विधायक हैं, सांसद हैं, उन सबको तोड़ने की कोशिश हो रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन ये बात कही थी, कहा तो था कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब विपक्ष मुक्त भारत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी और बीजेपी के नेता, खुद राजनाथ सिंह ने जिस तरह से कहा कि ये जो इंस्टेबिलिटी है कांग्रेस के अंदर, दरअसल जो नेतृत्व नहीं है कांग्रेस का आज, उसकी वजह से है। देखिए, ये सब तो बहाना है और लगातार हम लोग देख रहे हैं, पिछले दिनों भी गोवा के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, इसी तरह विधायकों को एक तरह से लालच देकर तोड़ने की कोशिश की गई और सरकार बनाई गई। तो ये सिलसिला आज नहीं शुरू हुआ है, ये तो लगातार शुरू हुआ है। ये तो एक बहाना कर रहे हैं कि आज कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इसलिए ये स्थिति है। सवाल ये है कि उनको प्रोत्साहित कौन कर रहा है, उनको लालच कौन दे रहा है। ये जो धन बल और सत्ता का बल का जो इस्तेमाल हो रहा है खुलेआम, ये पूरा हिंदुस्तान इसको देख रहा है। धन्यवाद। तो साफ तौर से तारिक अनवर साहब का कहना है कि जिस तरह से मनी पावर, मसल पावर का यूज़ किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान के लोग भी देख रहे हैं। अजय साहब, वो न्यूज़ दिल्ली।